आज मन किया कि मिट्टी की हांडी में मैं उड़द की काली दाल और मिस्सी रोटी बनाती हूँ, इसलिए आप चलते हैं। हाँ, मैं इसमें हारी में जीना लगा दिया है और इसमें आग जलाना शुरू किया है मैंने। अब इसमें आग जला देती हूँ। जैसे ही आग जल जाएगी तो इसमें हंडी के अंदर मैं दाल, उड़द की काली दाल रख दूंगी। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ इसमें पहले नमक डाल के रखते हैं। अगर हम कुकर में दाल बनाते हैं तो नमक और हल्दी दोनों एक साथ डालते हैं और उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब हम हांडी में दाल बनाते हैं तो एक झाग आता है। ये झाग अगर कुकर में हम नहीं निकाल पाते, इस झाग को ना निकालने के कारण जो इसमें यूरिक एसिड होता है वो इसी दाल में मच जाता है, और अगर हल्दी डाल देते हैं तो भी वो झाग अच्छे से नहीं आ पाता। इसलिए खाली नमक डाल के दाल को हम उबालेंगे। देखिए, मैं खाली नमक डाल रही हूँ। हम लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं, सेंधा नमक डाल रही हूँ। अब इसको मैं हारी में रख दूँगी और इसको उबाल आने के लिए इंतज़ार करूँगी। इसको मैंने ढक्कन से ढक दिया। अब इसको हारी में रख देती हूँ। ये देखिए, अब हारी में उबाल आ गया है और इसमें ये जो झाग है इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, और यही मिट्टी की हांडी की खासियत होती है। एक तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और ऊपर से खुले बर्तन में बनाने से जो इसके ऊपर झाग आया रहता है, जिसकी वजह से लोग में यूरिक एसिड बढ़ता है, वो निकल जाता है। यूरिक एसिड नहीं बनता अगर कोई मिट्टी की हांडी की दाल खाएगा। दूसरा, भोजन बनने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक हवा और एक धूप। ये मैंने हारी को ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, हवा भी आ रही है और धूप भी आ रही है। कुकर में ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती। अब मैं इसको दाल में तड़का लगाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने तेल डाल दिया और जीरा डाल दिया। दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ। ये मैंने लोहे की फ्राई पैन लिया हुआ है। लोहे का फ्राई पैन से हमें आयरन मिलेगा, लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, और मिट्टी में हमारे शरीर के लिए, हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है तो वो सारे तत्व मिल जाते हैं। फ्राई करने के लिए इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, ये तीनों चीज़ें डाल दूँगी। जीरा डालने के बाद इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, तीन चीज़ें डाल दिया है। अब इसमें तड़का, और इस तड़के का स्वाद अलग ही होता है। उस सारी दालों में ये मैंने जीरा, धनिया, अपने से पाउडर बनाया है एक जगह, धनिया और सौंफ का, तो उसको तो मिला देते हैं। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादा मसाले यूज नहीं करते, लेकिन जो भी करते हैं उससे टेस्ट अच्छा बन जाता है। अब मैंने सारी दालों में हम कड़ी पत्ता इस्तेमाल करते हैं। कड़ी पत्ता के भी अपने बहुत ज़्यादा लाभ है और इससे हमारी दाल का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। कड़ी पत्ता दालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें टमाटर और कसूरी मेथी, लाल मिर्च डाल दिया, हरी मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं। ये हमारा टॉपिंग से तैयार है। अब इसको मैं हांडी में डालने जाऊँगा। देखिए, पूरा रेडी है और ये हांडी में डालने के लिए तैयार है। आज मुझे कई सारी चीज़ें बनानी हैं, आंवले की तीन रेसिपी बनानी है, तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज मैंने बहुत सारा चीज़ें बनाने के लिए तैयार की हुई है। देखिए, क्या लाजवाब शौक लग रहा है।
इस दाल का टेस्ट ही कुछ और होने वाला है। जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। मेरी ताई जी बनाया करती थी मिट्टी की हांडी में दाल, बड़ी टेस्टी लगती थी, उन्हीं से मैंने सीखा। अब मैं रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। ये आटा गेहूँ, बाजरा, चना इनका मिला के बनाया हुआ है, इसलिए मिस्सी रोटी भी बोल सकते हैं। और खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगती है रोटी, बड़ी करारी करारी रोटी बनती है। तो गर्म पानी में गूंथ देती हूँ, ठंड हो रही है तो आटा अच्छा नरम बनता है गर्म पानी में। मेरा आटा इसमें मक्खी लगा रही हूँ, मक्खी लगा के सॉफ्ट हो जाएगा आटा। इस तरह गूंथ के अच्छे से मिस्सी रोटी है, कितनी अच्छी लग रहा है आटा भी, आटे का टेक्सचर। मेरी दाल रेडी है, मैं दाल को चूल्हे के पास ले आऊँगी, मिट्टी की हांडी को चूल्हे के पास काट के रख देते हैं, इसे खाने में ईजी है। देखिए ऐसी बनी है, चेक कर लेते हैं। वाओ अच्छी है दाल। अभी इसमें एक चीज़ ये बनी है, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, इससे और अच्छी खुशबू आ जाएगी दाल में। हरा धनिया इसमें देखो, बड़े स्वादिष्ट लगे। हाथ से ही रोटी बनाने की ट्राई कर रही हूँ। चकला बेलन मैंने लाई थी, लेकिन मैंने सोचा कि हाथ से ही रोटी बनाने का देखती हूँ कि बनती है कि नहीं, फिर मुझसे वो बन गई। एक दो रोटी शुरू में बिगड़ गई, लेकिन फिर उसके बाद रोटी बन गई। हाथ से पहले रोटी बनाते थे, चकला बेलन से बनाते हैं, तो हाथ से मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं सीख रही हूँ। छोटी छोटी बनती है, लेकिन बन जाती है धीरे धीरे, अच्छी बनने लगती है। इसमें देसी घी लगा देते हैं, देसी घी कर रही है। ये पिताजी की रोटी जा रही है नीचे, तो पिताजी कहाँ खाएंगे रोटी, स्वादिष्ट के बर्तन में खाना चाहते हैं। ये देखिए कितनी फूली फूली रोटी है, तवे पे भी अच्छी रोटी है। अब मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं, निकल के सारे बर्तन में खाना खाएंगे। देसी गाय का देसी घी देखने में ही बड़ा लाजवाब, रोटी इतनी अच्छी है। पीतल के बर्तन में हमें खाना खाना चाहिए, कांसे के बर्तन में, वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। हमारे बड़े बूढ़े भी यही किया करते थे, वो इसी तरह का भोजन करते थे और 100-100 साल जीते थे। और जीना नहीं, बिल्कुल अच्छे से निरोग होकर जीते थे, लेकिन आजकल हर चीज़ें मिलावट हो गई है। ये देखिए खाना खा रहे हैं, बड़ा मज़ा लेके एकदम गरम गरम रोटी, और चूल्हे पर रोटी बना रही हूँ।